नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। वोट भी दो नोट भी दो, कांग्रेस प्रत्याशी जनसंपर्क के दौरान वोट के साथ मांग रहे नोट। मतदाताओं से आर्थिक सहयोग के रूप में ले रहे 10 रूपए। दिनेश यादव ने दिया ईडी द्वारा कांग्रेस का अकाउंट फ्रीज करने का हवाला। चुनाव लड़ने के लिए न तो पार्टी के पास पैसे और न ही मेरे पास। मतदाता भी खुशी खुशी जेब से पैसे निकालकर दे रहे हैं। सरकार ने सीट कर दी, ऐसा है नहीं। हम लोगों से आशीर्वाद भी मांग रहे, लिखने हैं नोट वोट भी मांग रहे, 10 करोड़ मांग रहे भी लिखे। हाँ, आशीर्वाद 10 करोड़ भी दो, पैसा है नहीं चुनाव लड़ने हमारे पास। आज ही पेपर में छपा है, इतने चाहिए। क्या वोटर ज़्यादा है, हमारे आज आपने पेपर में पढ़ा होगा, बैंक के खाता हमारे कांग्रेस के सील कर दिए गए। चुनाव लड़ने हमारे पैसा नहीं है। एक तरफ 7,000 करोड़ भाजपा के उसमें जमा है। हमने हमें भैया वोट भी दो नोट भी दो, हमें 10 को नोट भी दो। आप चुनाव लड़े नहीं, नहीं दो हम जरूर आप पहले हमने सब लाए हैं ये सब हमारे ये सब लोग हम लाए हैं ये सब दस करोड़ दो हमारे हमारा है नहीं पैसा करें पाया भी है पाया भी है इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।